am and my teachers. A teacher is a person who not only teaches academic subject or any course, but also changes the overall life of a student and tries to remove the inner darkness of illiteracy and fill the light of knowledge in the inner will of the students. Our traditions and religious texts have kept teachers one level above the parents, as it is believed that parents give birth to a child, but a teacher converts him into a human being. In India, Teachers' Day is celebrated to mark the birth anniversary of Sri Sarvepalli Radhakrishnan, who was the first Vice President of India and a great teacher. He was additionally one of the authors of Helpage India, a non-benefit association to help the older oppressed in India. He ought to believe that educators are the best personalities in the nation. Since 1962, his birthday has been commended in India and celebrated as Teachers' Day consistently. Thank you. शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं हमारी हिंदी अध्यापिका डॉ. शिखा ओझा को श्रद्धांजलि देते हुए दो शब्द कहना चाहूंगी। हमारी अध्यापिका ने न केवल हमें हिंदी को एक अलग नजरिए से देखने का अवसर प्रदान किया, बल्कि हमारे अंदर मातृभाषा के प्रति सम्मान की भावना भी उत्पन्न की। उनके दृढ़ निश्चय व्यक्तित्व को देखकर हमें बहुत प्रेरणा मिलती थी। उन्होंने न केवल हमें हिंदी का ज्ञान प्रदान किया, बल्कि जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस भी प्रदान किया। आज वह हमारे बीच नहीं है और ये पूरे विद्यालय की अपूर्ण क्षति है, सो कभी पूरा नहीं किया जा सकता, परंतु वे सदा हमारे हृदय में रहेंगी और हम अपने पूरे मन से उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबने सुना ही होगा कि यदि सारे समुद्रों के जल को स्याही बना दिया जाए और सारे जंगलों की लकड़ी को कलम, तब भी गुरु की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है। इसी सोपान पर मैं आप सबके समक्ष हमारे शिक्षकों के लिए कुछ स्वरचित पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कालिमा बादल की सूरज को छिपा सकती नहीं, कालिमा बादल की सूरज को छिपा सकती नहीं, आंधियां गिरिराज का मस्तक झुका सकती नहीं, सत्य की लेकर पताका निडर तुम पथ पर चलते रहो, साथ सच का दो सदा मेरे शिक्षक यही कहते रहे। बरसता है जिनका सदा हम पर प्यार अपार, बरसता है जिनका सदा हम पर प्यार अपार, बरखा की बूंदों सरिखा झर झर सदा बहार, गूंजाते हैं जो ज्ञान का कल कल निनाद हमारे अंदर, वो परम प्रिय शिक्षक ही तो हैं हमारे सच्चे तारणहार। याद है वो मंजर जब कोरोना अड़ा था अपनी जिद पर, याद है वो मंजर जब कोरोना अड़ा था अपनी जिद पर, और वैश्विक यह महामारी आते थी कर देने शिक्षा का अंत, तब भी हमारे निडर और कर्मठ शिक्षक कहां हुए थे पस्त। ऑनलाइन माध्यम से ज्ञान की गंगा को घर घर पहुंचाने में थे व्यस्त, जीवन पथ अनजाना था संग न कोई साथी था, जीवन पथ अनजाना था संग न कोई साथी था, नई डगर पर मेरा मन कुछ उत्सुक था कुछ व्याकुल था, ऐसी कठिन परिस्थिति में कला कौशल ज्ञान बांटने जो प्रकट हुए, वो कोई और नहीं परमेश्वर रूपी मेरे वंदनीय शिक्षक थे। कभी डांट तो कभी हंसी ठिठोली, कभी पढ़ाई तो कभी खेल खिलाई, कभी डांट तो कभी हंसी ठिठोली, कभी पढ़ाई तो कभी खेल खिलाई, जरूरत के मुताबिक बन जाते हमारे शिक्षक माता पिता दीदी और बड़े भाई। आपने हमारे मन मंदिर में प्रेम और ज्ञान की जो अलख है जगाई, उत्साह उमंग और असंभव को संभव करने की अभिलाषा हमने उसी से है पाई, हमने उसी से ही है पाई। धन्यवाद।